नमस्कार, NIOS स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सहायक आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आज आपको NIOS के DLED प्रोग्राम के अंतर्गत पाठ्यक्रम 504 में पाई चार्ट या वृत्त चित्र इसे कहते हैं, इसके बारे में वार्तालाप करूंगा। पिछले की कक्षाओं में हमने आयत चित्र और दंडालेख के बारे में बताया था, उसी में एक और चार्ट जो है हमारा पाई चार्ट है, जिसकी परिभाषा जो है, जब किसी एक प्रेक्षण की तुलना अन्य अथवा संपूर्ण घटकों से की जाती है, तब सांख्यिकी आंकड़ों के वृत्तीय चित्र बनाए जाते हैं। इसमें विभिन्न घटकों को वृत्त के अलग अलग भागों से दर्शाया जाता है। संपूर्ण घटकों को वृत्त के केंद्र के 360 डिग्री कोण के समतुल्य मानकर घटक के अनुपात के अनुसार केंद्र पर कोण आंतरित किया जाता है। इस प्रकार हम सर्वप्रथम वृत्त बनाकर घटकों के मान के अनुपात में कोण ज्ञात कर उसे वृत्त में दर्शाते हैं। इसे निम्न उदाहरण से भी समझा जाता है। वृत्त चित्र यानी पाई चार्ट बनाने के प्रमुख स्टेप्स हैं, चरण हैं। पहला, प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण परिकलित कीजिए। दूसरा चरण है, उपयुक्त त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। तीसरा स्टेप है, केंद्रीय कोण प्रदर्शित करने वाली त्रिज्याएं या तो दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त रूप में खींचिए। त्रिज्याखंडों को अलग अलग रूप देने का प्रयास कीजिए, यानी जो खंड हैं त्रिज्या के, उनको जो है आप अलग अलग शेड या अलग अलग कलर्स को जो है आप उनसे छायांकन कीजिए। एक उदाहरण के तौर पे, किसी शाला के छात्र द्वारा अपने एक दिन के कार्य में विभिन्न गतिविधियों में निम्नानुसार घंटे खर्च किए जाते हैं, इस जानकारी को पाई चार्ट से प्रदर्शित करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें गतिविधि और घंटे, गतिविधि में आपको नींद में, शाला में, गृह कार्य में, खेल में और अन्य है, और सबका सम एक योग हमने लिया है। घंटे हैं, नींद में 8 घंटे हैं, शाला में 7 घंटे हैं, गृह कार्य में 4 घंटे हैं, खेल में 2 घंटे हैं और अन्य जो है 3 घंटे हैं। तो हमने एक दिन को यानी 24 घंटे को हमने इन गतिविधियों में जो है बांट दिया है। अब इसको हम जो है पाई चार्ट से हमको दिखाना है। तो पाई चार्ट में सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करते समय 24 घंटों के मान को 360 डिग्री मानते हुए गतिविधि के सापेक्ष केंद्र पर बने कोण का मान निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर लेते हैं। जो सूत्र है हमारा कि गतिविधि के घंटे भाग में 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे हैं और इसमें हर गतिविधि का कितना जो है कोण है, तो उसको हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिससे हमको हर गतिविधि का जो है कोण मिल जाएगा, हर गतिविधि का एक कोण मिल जाएगा। तो गतिविधि का कोण का जो सूत्र हुआ कि गतिविधि के घंटे भागे 24 गुणे 360, जैसे नींद में है हमारा, खेल में है, तो जितने घंटे हैं वो घंटे यहाँ पे रखेंगे भागे 24 गुणे 360 डिग्री। इन आंकड़ों से हम जो है इसका कोणीय मान, जो ये पूरा ये इसकी जो मान आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको हम बोलते हैं कोणीय मान। इस कोणीय मान को हम जो है ज्ञात कर लेते हैं। अब कोणीय मान ज्ञात करने के पश्चात जो है गतिविधि, घंटों में समय और कोणीय मान, इसको जो है हम इस प्रकार से दिखाएंगे। जैसे गतिविधि जो हमारी है वो निद्रा में, जो हमारे पास गतिविधियां हैं, गतिविधि में है हमारा निद्रा में, शाला में,
गृह कार्य में खेल में और अन्य में, हमारा एक खेल है और एक अन्य है, तो गतिविधि है और इसको हम घंटों में, कितने घंटे हमने हर गतिविधि को दिया है ये दिखाएंगे। तो निद्रा में हमने 8 घंटे दिए हैं, शाला में हमने 7 घंटे दिए हैं, गृह कार्य में जो है हम 4 घंटे दे रहे हैं, खेल में हम 2 घंटे दे रहे हैं और अन्य में जो है हम 3 घंटे दे रहे हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 4, 19, 2, 21, 3, 24, टोटल एक दिन के 24 घंटे को हमने इन इन में बांट दिया, निद्रा में, शाला में, गृह कार्य में, खेल में और अन्य में। अब हम जो है इससे कोणीय मान निकालेंगे, तो जो कोणीय मान होगा हमारा, कोणीय मान के लिए हमने आपको जो सूत्र बताया था कि हर, जैसे नींद में 8 घंटे, तो 8 / 24 × 360 बराबर 120 डिग्री आया। शाला के लिए 7 घंटे हैं जो 7/24 × 360 डिग्री और 105 आ गया इसका कोणीय मान। गृह कार्य के लिए जो है 4 घंटा है हमारे पास, तो 4/24 × 360 डिग्री यानी 60 डिग्री आया। खेल के लिए 2 घंटा है, तो 2/24 × 360 डिग्री बराबर 30 डिग्री आया। अन्य के लिए हमने 3 घंटे लिए हैं और 3/24 × 360 डिग्री बराबर 45 डिग्री आया। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि हमने जो है निद्रा के लिए, शाला के लिए, गृह कार्य के लिए, खेल के लिए और अन्य के लिए कोणीय मान ज्ञात कर लिया। अब कोणीय मान ज्ञात होने के बाद एक उपयुक्त जो है रेडियस को लेके हम जो है एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त जो है अब कोण के अनुसार वृत्त चित्र बनाएंगे। सर्वप्रथम वृत्त खींचकर केंद्र को परिधि से जोड़ते हुए एक त्रिज्या खींच लेंगे और उसे आधार मानकर कोण मान के अनुसार रेखाएं खींचेंगे। आप जो है वृत्त में देख सकते हैं कि हमने जो है अलग अलग जो है खंड बनाए हैं, जैसे 4 घंटे गृह कार्य के लिए, 3 घंटे अन्य के लिए और उनके कोणीय मान के आधार पर उस वृत्त को बनाया है, और 8 घंटे नींद के लिए, 7 घंटे शाला के लिए और 2 घंटे खेल के लिए। एक दूसरा उदाहरण है कि पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए। इस उदाहरण में हमने अंक जो है लिया है और आवृत्ति ली है। अंक जो है हमारा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, 80 से 90 है और 90 से 100 है, और हर अंक की एक आवृत्ति है। जैसे 0 से 10 वाले की 1 है, 10 से 20 वाले की 8 है, 20 से 30 की 6 है, 30 से 40 की 7 है, 40 से 50 की 21 है और 50 से 60 की 23 है, 60 से 70 की 19 है, 70 से 80 की 6 है, 80 से 90 की 5 है और 90 से 100 की 4 है। तो इस उदाहरण में भी हम हर अंक की आवृत्ति से कुल आवृत्ति को जोड़ लेंगे और हर वर्ग के लिए, जैसे 0 से 10 के लिए, 10 से 20 के लिए, 20 से 30 के लिए जो है फिर हम कोणीय मान जो है निकालेंगे। तो कोणीय मान के लिए जो है, जैसे 0 से 10 से 1 है और जब सारी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ने पे जैसे 8, 1, 9, 6, 15, 7, 22, 22 और 21 जो है 43, 43, 3, 46, 20 जो है 66, 66, 9 जो है 75, 10, 85, 85, 4, 85 और 5, 4, 9, 6, 15, कुल मिला के जो आवृत्ति का सम है जो हमारा वो 100 के बराबर है। जो आवृत्ति का योग है हमारा वो आवृत्ति योग जो है वो 100 के बराबर है। अब इस आवृत्ति के योग से हर वर्ग की जो है हम एक कोणीय मान निकालेंगे। जैसे हमको अगर 0 से 10 वर्ग का कोणीय मान निकालना होगा तो 1/100 × 360 डिग्री, इस प्रकार जो है हम, यानी 3.6 डिग्री जो है हमारा कोणीय मान होगा। इसी प्रकार हम 10 से 20 वर्ग का, 20 से 30 वर्ग का और 30 से 40 वर्ग का कोणीय मान यहाँ पे हम हर वर्ग का निकाल लेंगे। कोणीय मान निकालने के बाद जब हम कोणीय मान निकाल लेंगे तो कोणीय निकाल, दो चीज़ें हैं, या हम कोणीय मान भी निकाल लेते हैं
और परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, परसेंटेज के आधार पे भी जो पाई चार्ट है उसको हम निरूपित करते हैं। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे कि 1/100 × 100, तो इसका जो है ये 1% जो है ये 0 से 10 वाला भाग रखता है। इसी तरह मान लीजिए हमको 20 से 30 वाले का दिखाना है, तो 20 से 30 वाले का जो है फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 6 है तो 6/100 × 360, ये 20 से 30 वर्ग का जो है आपको कोणीय मान बताएगा, जबकि 6/100 × 100 जो है इसका परसेंटेज बताएगा कि कितना परसेंट इसका ये आया। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं, इसका जब वृत्त खींचेंगे उपयुक्त लेके तो इसका जो है ग्राफ ही आएगा, जिसमें आवृत्ति जो 0 से 10, 20 से 30, 30 से 40 और सबका परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, 1%, 8%, 6%, 7%, 21%, 23% जो है हम अपने फिगर में देख रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि एक सप्ताह में किसी दुकान द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या नीचे प्रदर्शित की गई है। तो इसमें हम दिन लिए हैं और पुस्तकों की संख्या, दिन में जो है हम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार है, और इन दिनों पे जो है कितनी पुस्तकें बिकी हैं उनकी संख्या है 60, 40, 35, 50, 25, 70 और 30 हैं। अब अगर इनको हम जोड़ें, पुस्तकों की संख्या जोड़ें यानी कुल आवृत्ति की जो हम जोड़ें, तो ये आवृत्ति का योग निकालने के लिए जो है आवृत्ति योग जो है हमारा साठ चालीस सिक्सटी, 60 40 60 धन 40 धन 35 धन 50 धन 25 धन 70 और धन 30 है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 100 150 185 90 210, यानी 310 जो है हमारा आवृत्ति का योग आया। अब आवृत्ति के योग आने के बाद हम हर दिन का जो है कोणीय मान निकालेंगे कि वो हमारे वृत्त में कितना कोण रखता है। जैसे रविवार है तो रविवार की जो है आवृत्ति जो है 60 है, तो 60 है तो इसका जब हम कोणीय मान निकालेंगे तो 60/310 × 360, ये इसका जो है रविवार का कोणीय मान आ जाएगा। और इसका प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो 60/310 × 100, ये आपका प्रतिशत आ गया कि कितने प्रतिशत जो है रविवार में पुस्तकों की संख्या है। इसी प्रकार हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का जो है कोणीय मान हम निकाल लेंगे। कोणीय मान निकालने के पश्चात हम जो है एक उपयुक्त रेडियस लेके जो है एक वृत्त खींचेंगे और उस वृत्त में जो है हम अलग अलग कलर लेके, अलग अलग शेड्स लेके रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को जो है अलग अलग शेड से दिखाएंगे और उनके उस खंड को हम परसेंटेज में दिखा देंगे कि 10% ये भाग है, 19% ये भाग है, 13% ये भाग है, 11% ये भाग है, 16%, 8% और 23% है। आपको ये कक्षा वृत्तचित्र की मुझे लगता है कि समझ में आई होगी और आप वृत्तचित्र को फिर से अपने ग्राफ पेपर पे बनाइए। धन्यवाद।